बदलते लाइफस्टाइल में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बहुत ही आम बीमारी हो गई है। लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन दोनों बीमारियों को साइलेंट किलर कहा जाता है। WHO की माने तो दुनिया भर में 20 से 69 साल के बीच 1.28 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 46% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। कई बारी लोग आम से संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, इसमें सबसे अहम है उल्टी आना। हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर के दौरान उल्टी क्यों आती है। मायो क्लिनिक की वेबसाइट की माने तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज का जब अचानक ब्लड प्रेशर 180 से 120 हो जाए तो इसे हाइपर सेंसिटिव क्राइसिस कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस सिचुएशन में अगर मरीज को अर्जेंटली हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया तो ब्रेन हेमरेज तक की सिचुएशन बन जाती है। ये किडनी, दिल, ब्रेन और आंखों के ब्लड वेसल्स और बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसे पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इन सब में सबसे आम बात है उल्टी आना। जब भी हमारी बॉडी में वास्ट चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी हमें कुछ संकेत देती है, जिनमें उल्टी आना या लूज मोशंस लगना आम बात है, पर हाई बीपी के केसेस में मरीज को उल्टी आती है। दरअसल हाई बीपी में आपकी बॉडी का ब्लड टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से ये उल्टी आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उल्टी आपको अचानक आ जाती है। हाइपरटेंशन के मरीजों को पहले से एंजाइटी, छाती में दर्द, स्ट्रेस, आंखों से धुंधला दिखाई देना, ये सभी बातें आम है। डॉक्टर्स की माने तो उल्टी आने के पीछे भी कई सारी वजह है, जैसे बीपी की दवाई नहीं खाना या भूल जाना, हार्ट की दवाइयों को नहीं खाना, कुछ दवाइयों के रिएक्शन से भी कभी कभी हाइपर सेंसिटिव मरीजों को उल्टी आ जाती है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही हमारे साथ। नमस्कार।